भारत के मिशन चंद्रयान 2 को लेकर रविवार को एक ऐसी खबर आई जिससे पूरे देश में उम्मीद की एक नई किरण जग गई। चंद्रमा की कक्षा में चक्कर काट रहे ऑर्बिटर ने लैंडर विक्रम की थर्मल इमेज भेजी, जिससे विक्रम की सही लोकेशन का पता चल गया, यानी भारत के करोड़ों देशवासियों की दुआएं काम आई। विक्रम का मिलना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। इसरो को विक्रम की सही लोकेशन तो मिल गई है, लेकिन अभी तक उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है और ना ही ये पता चल पाया है कि उसे कोई नुकसान हुआ है या नहीं। इसरो लगातार विक्रम से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि अगर विक्रम से संपर्क हो गया तो कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठ सकेगा। लेकिन इससे पहले इसरो के लिए ये जानना अहम है कि लैंडर विक्रम चांद की सतह पर लैंड कर पाया या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सतह पर उतरने से पहले ही दिशा भटक गया हो। अगर विक्रम ने क्रैश लैंडिंग की तो उसे कितना नुकसान हुआ? क्या विक्रम तक सूर्य की रोशनी पहुंच रही है? विक्रम में सोलर पैनल लगे हैं। अगर उस तक रोशनी पहुंच रही है तो वो फिर से एक्टिवेट हो सकता है। ये सब जानने के लिए इसरो के लिए अगले 12 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। दरअसल चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पूरी तरह से काम कर रहा है और वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की परिक्रमा कर रहा है और ये 7.5 साल तक एक्टिव रहेगा। यानी ऑर्बिटर से चांद की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें इसरो को मिलती रहेंगी। ऑर्बिटर का कैमरा अब तक के मून मिशनों में इस्तेमाल हुए कैमरों में सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाला है। यही नहीं, ऑर्बिटर अगले 2 दिनों में उसी लोकेशन से गुजरेगा जहां लैंडर से संपर्क टूटा था। और अब जबकि लैंडर की लोकेशन मिल गई है तो ऑर्बिटर से फिर से उसी लोकेशन के गुजरने पर एक बार फिर विक्रम से संपर्क करने की कोशिश की जा सकती है। ऑर्बिटर जो तस्वीर भेजेगा उससे डेटा विश्लेषण किया जा सकेगा। इसरो चीफ के सिवन भी कह चुके हैं कि अगले कुछ दिनों में लैंडर विक्रम को खोजा जा सकेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लैंडर से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसरो से संपर्क टूटने के बाद जिस लैंडर विक्रम की एक झलक के लिए पूरे देशवासी दुआएं मांग रहे थे, 36 घंटे बाद उसकी एक तस्वीर ने भारत की आस बढ़ा दी है। जब से विक्रम की लोकेशन का पता चला है, इसरो लगातार उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। लोग दुआएं कर रहे हैं कि तस्वीर मिल गई है तो जल्द ही सिग्नल भी मिल जाएगा। विक्रम के अंदर ही प्रज्ञान रोवर है जिसे विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद बाहर निकलना था। आपको बता दें कि 22 जुलाई को चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के बाद 47 दिन तक चंद्रयान ने सारी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास की। इस दौरान चंद्रयान 2 ने करीब 4,00,000 किलोमीटर की दूरी तय की। 6 से 7 सितंबर की रात को लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। सब कुछ बिल्कुल इसरो की प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था, लेकिन चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर अचानक विक्रम का इसरो से संपर्क टूट गया और संपर्क टूटने के साथ ही पूरे देश में एक मायूसी पसर गई। लेकिन ऑर्बिटर ने जो तस्वीरें भेजी है उसने करोड़ों देशवासियों में एक बार फिर से जोश भर दिया है।